नमस्कार दोस्तों, लाइफ टॉक यानी कि एलटी के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे केस के बारे में, जो कि मेरे अभी तक का जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसके अंदर मेरे को दो केस देखने को मिले, तो उन केसेस को मैंने किस तरह से हैंडल करा। अगर आप सीनियर डॉक्टर हैं तो मे भी आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, अगर किसी ने हैंडल नहीं तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इस चीज़ से रिलेटेड। मे भी अगर आप सीनियर हैं तो आपको ज़्यादा आता हो, बट मेरा फिर जो मेरा एक्सपीरियंस है वही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस एपिसोड में, जो कि मेरे को लग रहा है कि शेयर करना ज़रूरी है। दोस्तों ये केस है दुष्कर्म से रिलेटेड। दुष्कर्म आप समझ चुके होंगे कि मैं किस केस से रिलेटेड करने वाला हूँ। तब तक मेरी जो प्रैक्टिस है उसके अंदर दो केस देखने को मिले हैं। जब केस टेकिंग ली तो उस अंदर दो फीमेल्स ऐसे निकली जिनके जो उनके पास में उनके साथ दुष्कर्म हो रखा है, तो उन केसेस को किस तरह मैंने हैंडल करा वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मे बी आपका एक्सपीरियंस मेरे से अच्छा हो, बट जो भी मेरा है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो मैं डॉक्टर अमित आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। दोस्तों जब भी हम बीमार पड़ते हैं यानी कि जब भी हमें कोई हेल्थ इश्यू देखने को मिलता है तो हम दवाइयों का यानी कि मेडिसिन का सहारा लेते हैं। आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, किसी भी पैथी का हम सहारा लेते हैं ताकि हम दोबारा से स्वस्थ हो सके। तो ऐसे मेरे पास अभी तक जो है दो केस देखने को मिले थे कि वो मेरे पास आते हैं, जब उनकी हम हिस्ट्री लेते हैं कि होम्योपैथी में केस टेकिंग करते हैं, उनकी डिटेल में जानते हैं, तो उनको जो नॉर्मली था उनके हॉर्मोन्स इम्बेलेंस थे। एक केस था जो कि उनके बाल जड़ रहे थे बहुत ज़्यादा, एक कोई पिंपल्स वगैरह, तो ऐसे केसेस चल रहे थे। तो दोनों केस में अब मैं यहाँ पे डाटा बिल्कुल नहीं बताऊँगा कि कौन पर्सन है, क्या है नेम, वो बिल्कुल सीक्रेट रहेगा। वो मैं आपके साथ जिस दो फीमेल्स थी मेरे पास आई काफ़ी टाइम पहले के केसेस हैं ये, 6-7 महीने पहले के, तो मेरे पास आते हैं तो वो अपनी समस्या बताते हैं कि मेरे को ये समस्या है। एग्जांपल के तौर पे मैं हेयर फॉल और दूसरा एक्ने पिंपल ले रहा हूँ। अब मैं डिजीज़ का नाम भी यहाँ पे सोन नहीं करूँगा, तो एग्जांपल के तौर पे मैं हेयर फॉल और एक्ने, तो एक केस आते हैं मेरे को स्टार्ट जो पहली बार आते हैं तो उनको हम मेडिसिन देते हैं, दूसरी बार आते हैं मेडिसिन देते हैं, एक केस जो 6 बार आता है, दूसरा केस जो वो हमें सेकेंड टाइम आता है, तो वो फर्स्ट टाइम जब आता तो अपनी मम्मी वगैरह के साथ आते हैं, सिस्टर होते हैं, तो वो 3% थे आते मेरे पास, तो जो कि एक्ने वाला केस समझ लीजिए। आप बात करते हैं, बात होती है, उनको मेडिसिन दी जाती है, परंतु नेक्स्ट टाइम जब वो फीमेल मेरे पास आती है तो सिंगल आती है, अकेले, किसी को साथ लेके नहीं आती है। तो वो जैसे वो केस टेकिंग कर रहा है, मैं दोबारा से देख रहा हूँ कि कहाँ पे गलती हो रखी है, तो मैं कॉपी पे नोट डाउन कर रहा था उसी टाइम, तो उन्होंने एक शब्द बोला, क्योंकि आप समझ चुके हैं मैं किस शब्द किस केस की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक बोला, तो मैंने वहाँ पे एक बात करी, क्योंकि मैं डायरेक्टली कुछ नहीं बोला उनको, यानी कि कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं करना है। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा भी हो सकता है। अगर आप अभी तक सीख रहे हैं तो आप यहाँ इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिए, कभी भी कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं करना है, स्पेशली इन केसेस में। जैसे मैं नोट करा, जैसे उनका शब्द बोला, मेरे को सुनाई तो दे गया था, परंतु मैंने कुछ रिएक्ट नहीं करा कि मैंने जैसे कुछ बोलते हैं क्या हुआ क्यों, तो मैंने कुछ रिएक्ट, जैसे मैं नोट डाउन कर रहा था मैं वैसे नोट करता और मैंने सुन लिया था वो शब्द उन्होंने क्या बोला है, जब मेरे को मालूम हो चुका मैं, बट मैंने ऐसे रिएक्ट करा कि जैसे मेरे को सुनाई नहीं दिया, मैंने ऐसे रिएक्ट कर, फिर उनका केस टेकिंग मैंने फिर उस क्वेश्चन, मेरे को तो सुनाई दिया था, मैंने क्वेश्चन घुमाने शुरू कर दिए, यानी कि इनडायरेक्टली वे में फिर उनको मैं वहाँ से क्वेश्चन करता रहा, डायरेक्टली मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करता, उस तरह जरिए से फिर मैं उनका सारा केस नोट करता गया, क्योंकि डायरेक्टली केस लेता तो उनको बुरा लगता और केस भी चला जाता, तो ये नुकसान मेरा भी था। तो उसमें तो हर डॉक्टर को यही है कि जब भी कोई ऐसा केस आता तो डायरेक्टली जब भी वो बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो उस चीज़ को आप निगलेक्ट करिए, यानी कि आपको सुनाई नहीं दिया है या फिर ऐसे थोड़ा सा हो जाइए, परंतु उस क्वेश्चन को फिर इनडायरेक्टली घुमाइए ताकि वो उनसे आपको जो डाटा चाहिए वो भी मिल सके। तो ऐसे मैंने इस केस में करा था, तो उस केस को फिर उसके बाद उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और वो केस ठीक भी हुआ था। दूसरा केस अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, तो वो छः बार सीटिंग हुई उनकी, छठी बार जब आए तो उनसे फिर से क्वेश्चन करा तो उन्होंने फिर बोल ही दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, परंतु उस केस में मैंने ऐसे ही करा, जब भी ऐसा केस आए तो डायरेक्टली शोक नहीं होने कि क्यों हुआ क्या हुआ ऐसा कुछ नहीं, बस आपको सुनाई दे गया, बस आपने उसको निगलेक्ट करना कि आपको सुनाई नहीं दिया, मैंने बस ऐसा ही करा, फिर क्वेश्चन केस को वहीं से घुमाना शुरू कर दिया मैंने कि क्वेश्चन घुमाने कि आपके पास्ट में आपकी जो मंथली साइकिल है ये वो, फिर ऐसे क्वेश्चन घुमाना कि इनडायरेक्टली उनको पता भी ना चले कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप कहाँ पे जा रहे हो, तो इस तरह से इनडायरेक्टली केस करना ताकि उनको भी कुछ पता ना चले और आपका जो केस टेकिंग और आपकी जो मेडिसिन आप जो पूछना चाहते हैं वो भी प्रॉपर वे में। दो केस मेरे अभी तक ऐसे आए थे क्लिनिकल में, यानी कि जो कि मेरे को कुछ टाइम बाद पछला केस टेकिंग पे, जबकि उन्होंने
एक ने तो सेकंड टाइम बता दिया, एक ने छठी बार है, छठी जो सिटिंग रहती है सिक्स, तो उसके बाद बताया था। परंतु जब भी उन्होंने बताया तो मैंने रिजेक्ट बिल्कुल नहीं करा था कि उन्होंने क्या बोला, कि मैंने निगलेक्ट करो, मैं नोट डाउन करता रहा कॉपी पे कि क्या लिख रहे, फिर क्वेश्चन केस को घुमाना शुरू कर दिया था कि उनको भी बुरा ना लगे और कुछ अनकम्फर्टेबल फील ना हो उस केस के अंदर। तो बस यही मेरा केस था, तो मैं भी आपके साथ इसको शेयर करना चाहता हूँ, तो मे भी आपको भी कुछ इसमें सीखने को मिले। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है इससे बेटर, अगर आपको लगता है कि ऐसा, तो आप हमें भी सिखा सकते हैं, हम भी सीख सकते हैं, ये आप कमेंट बता दिए कर सकते हैं, जिससे कि हम भी उसको सीख सकें इससे बेटर अगर आपको लगता है। परंतु मेरा यही मानना है कि जब भी आपके पास कोई भी केस आता है, चाहे दुष्कर्म से रिलेटेड या कोई भी अदर केसेस आते हैं, तो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन ना करिए, जिससे कि पेशेंट को थोड़ा बुरा लगे, अनकंफर्टेबल फील करे। कभी भी ऐसे किसी डॉक्टर को नहीं करना, क्योंकि कुछ केसेस में देखा गया है, अब मैं डॉक्टर का नाम भी नहीं लूँगा क्योंकि हैं कुछ डॉक्टर जिनको मैं जानता हूँ, तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। सो यही मेरा एक्सपीरियंस है और यही मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली फीमेल से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं, केसेस आते हैं, तो उनको थोड़ा निगलेक्ट करिए। यानी कि निगलेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि उनको निगलेक्ट कर देना, यानी कि जो उन्होंने शब्द बोला उसको आप सुनिए, बट ऐसे उनको ऐसे बिहेव करिए कि उनको आपको कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर उस क्वेश्चन को घुमाइए इनडायरेक्टली वे में, अपने क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि उनको अनकम्फर्टेबल फील ना हो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था और यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। सो आशा करता हूँ कि अगर आपको ये अच्छा लगा हो ये एक्सपीरियंस, तो नीचे लाइक करिए, शेयर करिए, अगर कोई कमेंट कमेंट करके बताइए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, साथ में आपको दिखा देगी बेल की आइकन, तो उसको भी करें प्रेस, जिससे कि आप हमारी इस यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव प्लानिंग में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।